वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज माय सेकंड वीडियो और आज हम पढ़ेंगे वैदिक मैथ्स ट्रिक। तो ये जो ट्रिक है इसका नाम है वैदिक, ठीक है, इसको बोलते हैं वैदिक मैथ्स ट्रिक। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी तीन डिजिट की मल्टीप्लाई हम कोई भी तीन डिजिट के साथ करते हैं, ठीक है। पहली वाली जो मैंने पहली वीडियो में ट्रिक बताई है उसमें कोई कितनी भी डिजिट हो, सेम नंबर डिजिट, लेकिन जो 99 होती है ना उनसे मल्टीप्लाई होती है, उसमें विद इन सेकेंड हो जाती है वो, तो ठीक है, वो मैंने देखी है, जाओ और देखो। और इस वाली में क्या है, कोई भी तीन डिजिट की मल्टीप्लाई हो किसी भी तीन डिजिट से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट आप 5 to 10 सेकेंड में आप आंसर निकाल दोगे फटाफट से, ठीक है। तो देखना पूरे वीडियो देखो, तो आपकी स्क्रीन पे एक पैटर्न शो हो रहा होगा, उस पैटर्न को फॉलो करना है और उस पैटर्न को याद रखना है, ठीक है, उसके बिना ये हो नहीं सकती। तो उसमें क्या है, आइए देखते हैं, मैं करके गाता हूँ, फिर उसके बाद आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, तो 2 बन जा 2। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे, और ऐड करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 7 2 जा 14, ठीक है। तो ये कितना आया, 17 का हम 7 लिख देंगे इधर, 1 कैरी, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, और तीनों को ऐड कर दो, तो 4 एकम 4, ठीक है, 3 दूनी 6 और 7 21। अब क्या करेंगे, 4 2 6 और 2 12, हासिल 1 32, ठीक है। 2 हम यहाँ पे लिख देंगे और ये 3 कैरी, ठीक है, 3 कैरी 3 कैरी, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे, तो 3 3 9 और 7 4 28, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आया, 11 9 20, हासिल 2 2 4, ठीक है। तो ये 40 आ गया, 40, और फिर उसके बाद ये 0 यहाँ पे उतार देंगे, 0 हमने यहाँ पे उतार दिया, और ये 4 कैरी, ठीक है, 4 कैरी हो गया। फिर उसके बाद ये लास्ट है, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 करेंगे, और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 4 2 6, यहाँ पे 1 16, ठीक है, 16, ये उतार दिया हमने 16, और ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आप बहुत ही कम टाइम में और 3 डिजिट की मल्टीप्लाई 3 डिजिट से कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैथ जो ट्रिक है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है जहाँ पे आपको टाइम बचाना होता है, जैसे कि जो कंपटीशन क्लासेस, जो कंपटीशन के एग्ज़ाम वगैरह आप देते हो, ठीक है, तो उसमें टाइम की हमें थोड़ी शॉर्टेज होती है, तो उसमें टाइम बचाना होता है, तो हम फटाफट से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ट्रिक के साथ अपनी वीडियो समाप्त करते हैं, और ऐसी कमाल की ट्रिक्स और भी सीखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और लाइक कर दो, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।